निर्माता कौन है, किसने बताया? भगवान
यहाँ जितने पदार्थ भगवान चढ़ाए हो चावल से लेकर के जितने है ये सब उनकी है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कहते हैं ना आरती में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है प्रभु मैं जो कुछ भी चढ़ा रहा हूँ इसमें मेरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मैं तुझको चढ़ाऊंगा। तो भगवान भाव के रूप से है, भगवान सब खाते पीते हैं सब, इसको देख वास्ते लिए गया अमृत बन गया और प्रसाद बन गया। प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु साक्षात दर्शन, जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद होता है। तो प्रसाद को सदैव जो है पहले माथे से लगाना चाहिए, फिर उसको अमृत समय समय उसको पान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम और जिन्हें प्रसाद खाते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चाहे व्यापार होने दो गृहस्थी होने दो, हर जगह लाभ ही लाभ होता है, यह शरीर से सुख लाभ सब कुछ प्राप्त होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुकूलता में चल रहा है, जैसे हवा चल रही है जिस तरफ हवा चल रही है, आप साइकिल चलाते हुए साइकिल चलाए होते हैं, अब साइकिल लेके जा रहे हो जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ, तो बड़ी सरलता से साइकिल चल जाएगी, परंतु अपोजिट में अगर हवा है खिलाफ है हवा तो आपको बड़ी कठिनाई होगी। और भगवान की बनाई हुई दुनिया में भगवान के शास्त्रों के अनुसार आप कर्म करते जा रहे हैं तो आपको जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अनुकूल दिशा में जा रहे हैं, जो परमात्मा ने जैसी व्यवस्था की है आप उसी दिशा में जा रहे हैं, वही कर्म कर रहे हैं, तो आपको कभी भी प्रतिकूलता का दर्शन भी नहीं होगा, कठिनाई कभी जीवन में आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए सदैव जो है आचार विचार प्रातः काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावन बाबा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रथम कार्य योजने के पश्चात क्या करते थे, अपने माता और पिता के कक्ष में जाकर उनको प्रणाम किया करते थे और अपनी दैनिक क्रिया क्या होती है, भगवान का भजन करना, प्रसाद प्राप्त करके संध्या करना, भगवान का भजन करना, ये सब दैनिक क्रियाएं हैं। सिर्फ कमाना ही नहीं, जैसे भगवान का लक्ष्मी जलाए कला काम पे, अरे बड़ा बड़ा लगे लड़की का बाबा वो मेहनत नहीं है, भगवान को जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना कुछ नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े व्यापारी जो है कि हार गए, बड़ा दिमाग लगाई, बड़ा टैलेंट रहा, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होगी सारा टैलेंट फेल हो जाता है सारा करें। उसके कृपा तेरी मेहरबानी का है वो देखना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, और जो पहले दिया हो जो पहले भगवान आपने दिया है वही कम नहीं है उसी को चुकाने के काबिल नहीं। प्रभु आपने इतना मुझे दिया है ना कि मैं तेरे कर्ज को कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी उसी को मैं बराबर नहीं कर पाऊंगा, वह तो असल है। क्या कहते हैं, जब अधर्म से अधर्म को पाया है उसमें भी नाम हमारा है। भगवान वह कहता है कि हमने सुना है आपने अधर्म से अधर्म पापियों को भी सारा है, वहां पापी होते हैं, कंस कौन था पापी ही था ना, रावण कौन था पापी ही था ना, इन सबको भगवान ने तार दिया। भगवान कहते हैं जीव अगर तुझे दुश्मनी भी करनी है तो किससे करना है, मुझसे कर, इन संसारियों के चक्कर में मत पड़ो। जब अधम से अधम को तारा है उसमें भी नाम हमारा है, और मुझे पार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने करुणा निधान करुणावती कीर्तन लक्ष्मी नारायण।
सत्यनारायण भगवान की जय।